नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता, हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 25 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया। अगर मैं कल वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करूं तो हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर मेरे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, मैं एक आइडल केस लेके चल रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इस पॉइंट, माना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट ए है और मुझे इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करूँगा, कल हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इन्फिनिटी पर जाऊँगा। माना यहाँ क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जो भी चीज होगी वो कहां होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इन्फिनिटी पर होगी। लेट अस से ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट है और यहां पर एक क्या है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। फिर मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को विदाउट एक्सेलरेशन इस पॉइंट इन्फिनिटी से कहां तक लाऊंगा, पॉइंट ए तक लाऊंगा। इसको मैं यहां से यहां तक लाया, पाथ मेरा कोई भी हो सकता है क्योंकि जो वर्क डन होगा ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो कोई भी पाथ हो सकता है। लेकिन मैं कौन सा पाथ लूंगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मैंने ले लिया और उसको क्यू नॉट से, सॉरी इन्फिनिटी से कहाँ लाया, मैं इस पॉइंट ए तक लाया। माना यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन किया गया, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए, इतना वर्क डन किया गया। अगर मैं इस वर्क डन को इस क्यू नॉट से डिवाइड कर देता हूं तो एक नई स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है एंड दैट न्यू स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया था, कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। आज का हमारा टास्क क्या है, मेरे पास क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज होगा। लेट अस से ये मेरे पास क्या है, इस तरह से एक पॉइंट चार्ज Q है। इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट अस से ये क्या है, इसके चारों ओर इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक आर्बिट्री मैंने इसका स्पेस अज्यूम कर लिया इसके चारों ओर और ये जो ये पूरा स्पेस किसको दिखा रहा है, इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी चार्ज होगा वो इस चार्ज के लिए कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। अब मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, माना इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या बोल दिया मैंने, ए बोल दिया, और ये माना ये पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन्फिनिटी पर एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज लूँगा और इस पॉइंट चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाऊंगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और जितना वर्क डन किया जाएगा उस वर्क डन को क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, ये क्या रहेगा, आज का हमारा एम रहेगा, या फिर इस तरह से क्या करेंगे, आज हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बार क्या करो, ए हिंट डालो, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसके नीचे लिख के चलेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, दोबारा बनाऊँ डायग्राम। ओके, एक बेहतर डायग्राम बना के चलेंगे। तो मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक पॉइंट चार्ज Q है और इस चार्ज के कारण यहाँ से r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट A है। इस पॉइंट A पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, अज्यूम कर लो ये जो मेरे पास Q है कहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट O पर रखा हुआ है, या बोल सकते हैं ओरिजिन पर रखा हुआ है। ना अज्यूम कर लिया मैंने कि यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इन्फिनिटी, इसे मैंने क्या बोल दिया, इन्फिनिटी बोल दिया। और माना इन्फिनिटी मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, क्यू नॉट चार्ज है, जहाँ पर क्यू नॉट क्या है, मेरा एक टेस्ट चार्ज है। मैं क्या करूँगा, इस क्यू नॉट चार्ज को विदाउट एनी एक्सेलरेशन कहाँ तक लाऊंगा, पॉइंट ए तक लाऊंगा। तो किस पाथ से लाऊंगा, इसके बीच जो स्ट्रेट पाथ होगा उससे लाऊंगा। मैं ला किसी भी पाथ से सकता था, लेकिन मैंने ये वाला पाथ क्यों चूज किया, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ओके, ये बात समझ में आई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि मैं कैसे इस वर्क डन को फाइंड करूंगा, यानी इन्फिनिटी से
यहां तक ए पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन किया गया किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, हम इसको कैसे ला रहे हैं, विदाउट एनी एक्सेलरेशन ला रहे हैं, यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स हर पॉइंट पर कितना है, जीरो है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, यानी इस पॉइंट ए और इन्फिनिटी के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट चूज कर रहा हूं। लेट अस से मैंने यहां पर एक इंटरमीडिएट पॉइंट क्या पी चूज कर दिया, और जो क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है वो कहां पर है, इस पॉइंट पी पर है। और अज्यूम किया जो ये पी पॉइंट है यहां से ओ से किन डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है, एक्स है। अब जैसे ही ये क्यू नॉट इस पॉइंट पी पर पहुंचेगा, इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, किसके कारण, इस क्यू के कारण, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो यहां पर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा। लेट अस से दिस फोर्स इज एफ ई, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ अभी यहां पर क्या है, फोर्स कहां को लग रहा है, इधर की ओर। अब हम चार्ज कहां को ला रहे हैं, इधर की ओर, यानी यहां पर इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, जो कि कौन लगा रहा होगा, हम लगा रहे होंगे, दिस फोर्स इज एफ एक्सटर्नल। अब मुझे ये बताओ, अभी तक जितना अभी तक हमने पढ़ा है, आपको पता है जो एफ एक्सटर्नल होगा किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर इस चार्ज क्यू नॉट पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, जीरो है। तो सिंस दिस पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए विदाउट एनी एक्सलरेशन, सो हाँ विदाउट एनी एक्सलरेशन, और वी कैन से विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इट मीन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्यू नॉट पार्टिकल एट एवरी पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। दिस शोज दैट कि दिस एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस का एफ ई, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई। तो यहां से मेरे पास एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताओ, देखो यहां से यहां सेपरेशन कितना है, अगर एक्स है तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू क्यू वन, और नीचे कितना मल्टीप्लाई में कितना आएगा, क्यू नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और आर का जो कितना है यहां पर, एक्स है, सॉरी। तो सेट इज सम इक्वेशन नंबर वन, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर वन बोल दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट पी से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्यू तक डिस्प्लेस कर रहा हूं। ये पॉइंट पी है और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट क्यू है, यानी मेरा पहले चार्ज पार्टिकल कहां पर था, पॉइंट पी पर था, और मैंने इसमें ऐसे फोर्स लगाया और विदाउट एक्सेलरेशन में कहां ले गया इसको, इस पॉइंट क्यू तक ले गया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है पी टू क्यू, लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स, क्या है ये, एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है। जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान देना, जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब देखो यहां पर, फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन विल बी ऑल्सो स्मॉल, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है देन वर्क डन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, वर्क डन विल बी, बताओ क्या होगा, वर्क डन विल बी डेल्टा डब्ल्यू, एंड दिस वर्क डन विल बी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स कहां को लग रहा है, इधर की ओर, यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं, वर्क डन बाय अस बात हो रही है, फोर्स कहां को लग रहा है, इधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां की ओर है, इधर की ओर, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एंगल जीरो है, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एफ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा एक्स। ओके, नाउ अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेहतर समझ रखते होंगे साइंस की, वो कहेंगे कि भाई यहां पर जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के केस में भाई ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हम। बात बिल्कुल सही है कि वेरिएबल फोर्स के केस में हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने यहां पर एक कंडीशन इंप्लाई कर दी, कि कंडीशन क्या है, कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, बहुत छोटा है, और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं अज्यूम कर सकता हूं कि दिस फोर्स इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को मैं एज ए कॉन्स्टेंट यहां पर अज्यूम कर सकता हूं। ओके, अब मैं ये फॉर्मूला यहां पर लगा सकता हूं। ओके, अगर मैं ये कह के चलता कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज एंड वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दैट केस, ठीक है, अगर मैं क्या बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज डिस्प्लेसमेंट, इतना क्लियर हो गया आपको। ओके, नाउ
अब देखो यहाँ पर एक काम करो, इस इक्वेशन नंबर वन से इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कैपिटल क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ गया डेल्टा एक्स। हियर इज सम इक्वेशन नंबर टू, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसके लिए वर्कडन तो नहीं निकालना, पी से क्यू हमें कहाँ से कहाँ निकाला, इन्फिनिटी टू ए। नाउ नेक्स्ट टाइम लिखो, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, यहां बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। यहां पर एक्स इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। यहां पर एक्स इक्वल टू क्या है, आर है। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी टू एक्स इक्वल टू आर, बताओ कितना हो जाएगा, कैसे करोगे। ये चीज हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, जब हमने क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वहां पर मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझा चुका हूं। एक बार और समझ लो कैसे, देखो मैंने यहां पर छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, डेल्टा एक्स लिया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इस पूरे पाथ को जो इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट ए तक है, उसको स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट तोड़ दूंगा, और हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जो डिस्टेंस होगी, यहां बोलते डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा, डेल्टा एक्स के बराबर होगा। तो हर डेल्टा एक्स के लिए मैं इस फॉर्मूले से वर्क डन निकाल दूंगा, और सारे डेल्टा एक्स के लिए जितना वर्क डन आ रखा है उसको सबको ऐड कर दूंगा, और क्या निकल के आ जाएगा, यहां से यहां तक लाने में वर्क डन निकल के आ जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, मान लिया ये पॉइंट क्या है मेरे पास, ए है, ये क्या है, इन्फिनिटी है। मैंने क्या किया, एक डेल्टा एक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, माना पांच डेल्टा एक्स है। ये मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स, 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 ये मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स। पहले मैं क्या करूंगा, इस डेल्टा एक्स के लिए वर्क निकालूंगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, सब वर्क निकल के फिर सारे वर्क को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क डन निकल के आ जाएगा। अब यहां पर एक खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, कि मैं ये सब चीज फिजिकली नहीं करूंगा, इसके लिए क्या यूज कर दूंगा, एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यहां पर यूज कर दूंगा। यानी क्या कर दूंगा, यहां पर एक समेशन साइन लगा दूंगा। देखो बड़ा सिंपल है, नाउ दिस वर्क डन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू समेशन, क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, क्या है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, जहां पर एक्स कहां से कहां है, इन्फिनिटी से लेकर आर तक है। अब मैं समझ पा रहा हूं आपकी प्रॉब्लम, आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। लेकिन अगर मैं ये बोलूं यहां पर, अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जो मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये इतना स्मॉल है कि ये जीरो के बहुत करीब है, देन दिस डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज डी एक्स, एंड फॉर दिस सिचुएशन दिस समेशन साइन इट इंटरचेंज बाई इंटीग्रेशन, यानी इस समेशन को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन से। तो ऐसा है, तो यहां से मेरे पास w इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की लिमिट कहां से क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से r, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा dx। अब इस इंटीग्रेशन को आप सब सॉल्व कर सकते हो, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो किस बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास w इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये सब चीजें बाहर आ जाएंगी, क्यू क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, अंदर कितना बच गया, लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर 1/x² इंटू कितना आ गया ये डी एक्स आ गया। तो यहाँ से मेरे पास w इक्वल टू क्यू क्यू नॉट और अपॉन में कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रेशन हमने पहले भी सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/x, एंड दिस इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब देखो, अब यहां पर एक दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आई जरा समझेंगे इसको, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे यहां पर बताना चाहिए था आपको, मैं नहीं बता पाया। कॉन्सेप्ट यह है कि ये जो वर्क डन होगा ना, ये वाला, दिस वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक चीज यहां पर लिख के चलेंगे कि ये जो वर्क डन होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा जरा समझो, देखो फोर्स कहां की ओर लग रहा है, इधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट कहां की ओर, इधर की ओर, इन दोनों के एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है। अगर एंगल 0 है तो कॉज रो कितना होता है, 1 होता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय फोर्स विल बी पॉजिटिव, एंड ये चीज हमेशा क्या होगी,
पॉजिटिव होगी। ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं दोबारा कर रहा हूं। देखो, अगर वर्क डन पॉजिटिव है लेकिन यहां पर जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो कैसी निकल के आएगी, बट यहां पर लिख के चलेंगे बट डेल्टा एक्स इज नेगेटिव। लेकिन जो डेल्टा एक्स है मेरा ना वो कैसा है, नेगेटिव है, साफ साफ दिख रहा है। कहां की ओर डिस्प्लेसमेंट, इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट है, यानी डेल्टा एक्स क्या है मेरा, नेगेटिव है। यानी अगर इसकी वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव आना चाहिए था, तो इसके द्वारा आए हुए नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया। क्लियर बात, ओके। और यहां पर भी क्या लगा सकते हो आप, इस तरह से नेगेटिव साइन लगा सकते हो, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है, नेगेटिव है। जब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पुट करोगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। सिमिलरली यहां भी डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करोगे, ये नेगेटिव आएगा यहां पर, और ये नेगेटिव है जो मैंने बाहर से लगा रखा है इस नेगेटिव को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, तो इस नेगेटिव को बरकरार रखो ऐसे। यहां भी माइनस साइन आएगा, यहां भी माइनस साइन, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन W विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0। देखो पहले क्या आएगा, अपर लिमिट, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/r आ जाएगा, माइनस का 1/r, फिर मैंने माइनस प्लस 1/∞ आ जाएगा। 1/∞ कितना होता है, जीरो होता है। और ये W इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 × r। ये क्या निकला मेरा, वर्क डन निकल के आ गया। इसको अच्छे से लिखोगे तो W इक्वल टू कितना आ गया, W इक्वल टू 1/4πε0 एंड दिस इज Q Q नॉट अपॉन में कितना आ गया, r आ गया। सही डिस्ट हम इक्वेशन नंबर दो लिखे थे हमने, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ओके। ये क्या निकला, वर्क डन निकल गया, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क डन। अब क्या लगा देंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाई Q नॉट, ओके। ये मेरे पास क्या है, W इन्फिनिटी टू A है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी ए आ जाएगा। तो वी ए इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0, दिस इज Q Q नॉट अपॉन में कितना आया, R, और डिवाइड में कितना आ गया, ये Q नॉट, इस Q नॉट से ये Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू 1/4πε0, क्या आ गया, ये Q अपॉन R आ गया। तो दिस इज आवर फॉर्मूला एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से न्यूमेरिकल बनता है और कभी कभी ये फॉर्मूला ड्राइव करने को भी आ जाता है, ठीक। अगर कभी कभी ग्राफ में पूछा जाता है, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बताओ कैसा ग्राफ आएगा। देखो साफ साफ दिख रहा है कि जो वी ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, ओके। तो अगर आप ऐसे ग्राफ खींचोगे तो दिस इज आर एंड दिस वन इज पोटेंशियल वी, तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ग्राफ आ गया, किधर बात, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप क्या करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4×10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहले स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे। ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4×10⁻⁷ कूलम। इससे R इक्वल टू कितने डिस्टेंस पर, 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास V इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × बच्चा जानता है भाई, 9×10⁹9 × Q की वैल्यू कितनी है, देखो 4×10⁻⁷
सेवन है, अपॉन में आर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो करो फिर मीटर में चेंज, 9 × 10⁻²² हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया ये 9 × 10⁻²² मीटर। देखो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया, देखो यहाँ पे v इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू दिस इज 4 × 10⁻⁷। ये 10⁻¹० है, ऊपर आ क्या हो जाएगा 10⁻², है तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ गया 10⁻+² हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू, इन दोनों को सॉल्व करो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻⁷+2⁻⁵ हो जाएगा ये, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁵। तो दिस इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁷, कितना आ जाएगा ये, 9 में से 5 गया, कितना आता है 4 आता है, इतना क्या आ जाएगा बोल्ट। तो दिस इज अवर पोटेंशियल ड्यू टू अवर गिवन चार्ज, या बोल सकते हैं अवर गिवन पॉइंट चार्ज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने फटाफट से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू का। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइडें होती हैं, पॉलीगन जिसकी 6 साइड है, और रेगुलर लिखा है, यानी 6 की 6 साइड क्या है, सेम लेंथ की है, ओके। रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम एट ईच ऑफ द वर्टेक्सेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, हमारे पास क्या है, एक हेक्सागन है, पेन तो बना दो इस तरह से, और रेगुलर हेक्सागन है, यानी सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, ओके। ये क्या है, इसका सेंटर है, और हर पॉइंट पर कितने कूलम का चार्ज रखा है, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, यानी यहाँ कितना रखा है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी कितना रखा है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी कितना रखा है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी कितना है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी कितना है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी कितना है 5 माइक्रोकूलम। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अगर मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछूँ, मैं ये पूछ लूँ कि इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बताओ कौन आंसर देगा, आपको इसका आंसर ऐसे देना चाहिए, क्योंकि हमारी ज्योमेट्री कैसी है, रेगुलर है, और रेगुलर ज्योमेट्री में अगर सारे कॉर्नर पर सेम चार्ज रखा है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, हमने पढ़ा था। लेकिन वो 0 क्यों होती है पता आपको, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहां पर जो सम हुआ था वो वेक्टर सम हुआ था, बट दिस पोटेंशियल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये तो सेंटर में 0 नहीं होगी, तो कुछ और होगी, और क्या होगी, क्या करोगे, पहले यहां पर इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, फिर सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है। नाउ अब इंडिविजुअल चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, ये डिस्टेंस चाहिए यहां से लेकर यहां तक, ये चीज, अगर क्योंकि ये तो क्या है मेरी आर है ना, इस फॉर्मूले में जो आर है ये तो है, ये आर से मेरे को, अब वो कौन बच्चा है जो ये आर निकाल सकता है कि इस आर की वैल्यू क्या होगी, कौन निकाल सकता है बताओ, कैसे निकालोगे, कोई आइडिया है, कोई आपके दिमाग में ज्योमेट्री घूम रही है, अब यहां पर क्लास 8 की ज्योमेट्री लगने वाली है, ये सब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर ट्रायंगल है, तो इनमें से एक ट्रायंगल को बाहर निकाल दो, माने मैंने ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाल दिया इस तरह से, ओके। ये यहां से यहां तक ये कितना है 10 सेंटीमीटर, मुझे ये चाहिए, और ये दोनों बराबर होंगे, ध्यान देना, दे बोथ आर इक्वल। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए, तो मेरी समस्या काफी हद तक आसान हो जाएंगी। अब ये एंगल कैसे पता करोगे, कोई आइडिया, देखो अगर मैं इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, और इस एंगल, और इस एंगल, इन सारे एंगल को ऐड करूंगा, तो मेरे पास कितने एंगल का कोण बनेगा, या कितने, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताओ। देखो दिस एंगल प्लस 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 दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक बात ध्यान समझना, और ये हर एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है, क्यों, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 ही है ना, देखो कहाँ दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इधर रखा है, यानी हर जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है 10 है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो मेरे पास एंगल होगा ये सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ तो थीटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 360 डिग्री आ गया,
तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, सिंपल 60 डिग्री, 6 6 36, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं एक काम कर रहा हूं, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो कैन वी फाइंड नाउ दिस साइड, इफ दिस साइड वी हैव गिवन, नो वी कांट। तो यहां पर थोड़ा सा और हमें ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। मैं यहां से इस तरह से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का मीडियन। यानी मीडियन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से एक नॉर्मल खींचता हूं इस तरह से, वो क्या करेगा, इस बेस को इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इसे बी बोलूं, इसे सी बोलूं, इस पॉइंट को ओ बोलूं, तो दिस ओ ए विल बी इक्वल टू बी ओ। ओके, लग नहीं रहा है यहां पर? हाँ, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ बोथ आर इक्वल, तो ये दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी बैक साइड करेगा इसको, अगर ये 60 है तो कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब अगर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा यहां से यहां तक, भाई 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, और ये मेरे को फाइंड करना है, निकाल सकता हूं क्योंकि अब मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी में, देखो ट्रायंगल ए ओ सी में अगर मैं यहां से क्या लगाऊं, साइन थीटा लगाऊं या फिर साइन 30 डिग्री लगाऊं, तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यहां पूछते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है इसका, देखो ये बेस होगा, ठीक है ये बेस होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है, जिसमें एंगल और दोनों एंगल क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। इन थीटा भी इसी में है और 90 भी इसमें, तो ये क्या है, बेस है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा ये एओ अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरा, एसी हो जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है यहां से, एओ चाहिए या एसी चाहिए, सॉरी एसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एओ अपॉन साइन 30। एओ की वैल्यू कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। यानी ये डिस्टेंस ए से लेकर सी तक ये कितना आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहां बोल सकता हूं मैं ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोलूं तो ये साइड डिस्टेंस क्या होंगी, सेम तो होंगी ना, क्योंकि ज्योमेट्री कैसी है मेरे पास, रेगुलर है। और फ्रॉम कैलकुलेशन व्हाट वी गेट कि ईच लेंथ फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू इट्स सेंटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हर लेंथ कितनी निकल के आई, 10 सेंटीमीटर की निकल के आई। यानी जो आर इक्वल टू है मेरा वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है तो आप क्या निकालोगे, ईज के कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा इधर पे। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके अंदर क्वांटिटी है। तो अगर यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि हर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इस पॉइंट ओ की जो डिस्टेंस है हर चार्ज से वो भी सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है 1/4πε0Q/r के बराबर होता है। ये चीज तो पहले से कांस्टेंट है, अगर ये भी कांस्टेंट हो जाए, ये भी कांस्टेंट हो जाए, तो उसका मतलब इस हर चार्ज के कारण इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो नेट पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल टू 6 × पोटेंशियल ड्यू टू 1 चार्ज। ऐसा होगा नहीं होगा, सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड है। अगर एक के कारण यहां पर कितना है, इतना है, तो 6 के कारण कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 × कितना आ जाएगा, ये 1/4πε0Q/r आ जाएगा। तो यहां मेरे पास 6 × इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, ये कितना है 5 माइक्रोकुलम, यानी 5 × 10⁻⁶ कुलम आ जाएगा। आर, आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻²² मीटर आ गया। ठीक है, मीटर में चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर। अब बताओ फिर कितना आ जाएगा, ये 56 × 30 हो जाएगा और 9 × 3 = 27, 56 × 30 × 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁶, और नीचे कितना आ गया, ये 10 × 10⁻²² आ गया। देखो इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻²² ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻²² हो जाएगा। दिस इज 3 × 9 × 10⁻⁹ × 10⁻²² हो जाएगा ऊपर आके, तो 9 × 3 कितना होता है, ये 27 हो जाता है, और 10⁻², ये कितना आ गया, 9 के बाद 10 11, और 11 में से 6 गया कितना बचा,
11 में से 6 गया 5, 10 टू द पावर 5, इतना क्या आ जाएगा ये वोल्ट। तो दिस इज अवर आंसर इन 27 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट का पोटेंशियल होगा कहां पर, इसके सेंटर पर। तो हर एक के लिए मैंने अलग अलग नहीं निकाला, यूनिटरी मैटर का यूज किया, एक के लिए निकाल लिया और एक के लिए कितना होगा, इतना होगा। अगर सारे चार्ज और डिस्टेंस सबके लिए सेम है तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। तो दिस इज अवर आंसर, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, उनको आदत होती है, उनको एक कॉन्सेप्ट याद हो जाता है कि भाई बीच में अगर रेगुलर दिख गया और बीच में जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जोड़ देकर बताया गया है। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो यहां पर आपको क्या रखना है, सचेत रहना है, एकदम चौकन्ना रहना है। क्लियर है इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो अगेन एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड करो, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। ऐसा क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया है, ये 3 वाला जैसा, ऐसा वाला भी किया था, ऐसा भी किया था, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, टू चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक कितना है मेरे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और दूसरा कितना है माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। दो चार्जेस हैं, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, 16 सेंटीमीटर की है। एट व्हाट पॉइंट लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। यानी इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर डायरेक्शन वाली तो कोई चीज है नहीं, तो मैं कहीं पर भी पॉइंट अज्यूम कर सकता हूं। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ओके। लेट अस से दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज इज इक्वल टू एक्स, तो ये कितना बच गया मेरे पास 16 माइनस एक्स, ठीक है। लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, तो पॉइंट पी पर माना इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, पोटेंशियल ड्यू टू ए कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है मेरे पास चार्ज इसमें 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन आर, आर कितना है यहाँ पर x है। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू बी दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो स्केलर क्वांटिटी है विद साइन रखेंगे, वो जहाँ मैग्नीट्यूड रख रहे थे ना वो किसके केस में था, वेक्टर के केस में था, तो यहाँ पर क्या आएगा विद साइन माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन क्या आएगा 16 माइनस का x, ये आ जाएगा। देखो इफ एट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, इसका मतलब एट पॉइंट पी वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो। अगर वी ए प्लस वी बी इक्वल टू जीरो है तो ये वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा, ये वी ए की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड अपॉन में कितना आ गया ये 16 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ओके। देखो कुछ चीज़ें कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आके जीरो हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 कॉमन आके जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा देखो 5/x और ये माइनस का दिस इज 3/16 माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अब एक काम करेंगे इसको इधर भेज दो, तो दिस इज 5/x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/16 माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया ये 5/16 माइनस का x विल बी इक्वल टू 3/x। 16 × 5 = 80 होता है, ठीक, 16 × 5 = 80 माइनस का 5 × 5 = 5 अंदर मल्टीप्लाई गया इसको, ठीक है। तो दिस इज 3x, तो 80 इज इक्वल टू, तो दिस इज 3x प्लस 5x, इस जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू कितना आ गया 8x आ गया। साफ साफ दिख रहा है x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको मीटर में चेंज किया ही नहीं है, वैसे ही वैल्यू पुट किए हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर,
यानी यहां से इस पॉइंट ए से 10 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितनी यहां से है 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट ए से 10 सेंटीमीटर राइट में वो पॉइंट है और पॉइंट बी से 6 सेंटीमीटर लेफ्ट में वो पॉइंट है, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है टोटल 16 है। क्लियर बात? तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वहां पर दो केस आएंगे, इन एक्सियल डायरेक्शन एंड इन इक्विटोरियल डायरेक्शन, और एक आया क्या इन एनी डायरेक्शन। तो तीनों चीजें हम क्या करेंगे आने वाले लेक्चर में फाइंड करेंगे। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से आप देखना। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना, फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी शिकायत है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा और आपका और मेरा दोनों का ज्ञानवर्धन होते रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।